महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए 7 केस मिले हैं, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी है। मुंबई में 3 केस आए हैं, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवार के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 17 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 मामले सामने आए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा 2022 में करीब 51 लाख छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ने बताया है कि यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 27 लाख विद्यार्थियों को और 12वीं की परीक्षा के लिए 23 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद यानी UPMSP ओर से जारी एक बयान में कहा कि यूपी बोर्ड स्कूल और इंटर की परीक्षा अप्रैल 2022 में ली जाएंगी। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा और यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा का थ्योरी पार्ट मार्च के अंत में कराया जाएगा, जबकि यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल की परीक्षा फरवरी के 3रे सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। 2022 में बोर्ड की होने वाली परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन, कमेंट में सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हालांकि बोर्ड ने इस संबंध में अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है और राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में बोर्ड की मुख्य परीक्षा यूपी विधानसभा के बाद ही शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कुछ दिन पहले इस बारे में जानकारी दी थी। साल 2022 में यूपी 10वीं और 12वीं की परीक्षा बैठने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। 2022 में बोर्ड की परीक्षा 15 दिनों में समाप्त हो जाएंगी, यानी कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो बोर्ड की परीक्षा स्थगित नहीं होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फैसला किया है कि ट्रम्बन बोर्ड परीक्षाओं की OMR शीट उत्तर पुस्तिकाएं स्कूलों द्वारा कराने के बजाय सीधा बोर्ड को दे दी जाएंगी। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों में OMR शीट की प्रक्रिया 16 दिसंबर को से बंद कर दी जाएंगी, यानी कि अब आंसर शीट जांचने के लिए सीधा बोर्ड के पास भेजी जाएंगी। बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण जानकारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।